नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और करवा चौथ का व्रत आने वाला है, जिस व्रत को देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किया था और जिसके कारण अर्जुन विजयी हुए थे। आइए हम आपको करवा चौथ के वही जो व्रत की कथाएं हैं उनमें से एक कथा आप तक पहुंचाते हैं। आप सभी ध्यान से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से श्रवण करें, जिससे आपके पति की लंबी आयु हो और उनका प्रेम प्राप्त हो। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं बहुत अमीर परिवार की थीं, इस कारण उनका बहुत मान सम्मान घर में था। लेकिन जो 7वीं बहू थी उसके घर मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती थी, इस पर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था। उसे सब तंग करते रहते थे। त्योहारों पर उसके घर से कोई भी ना आता, इससे उसे बहुत दुख होता था। हर वर्ष की तरह इस बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं के घरों से उसके भाई करवा लेकर के आए, पर छोटी बहू के घर से कोई ना आया। घर में सभी उसे खरी खोटी सुनाते रहे। इससे दुखी होकर वे घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग जो वहीं बिल में रहता था, उसका रोना सुन करके बिल से बाहर निकल कर वो उससे रोने का कारण पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर दया आ गई। नाग ने कहा, बहन तुम घर चलो, मैं भी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक दिल चाहे यहाँ आराम से रहो, यहाँ किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। पर एक बात याद रखना, सामने वाली नांद कभी मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रहती थी, परंतु एक दिन जब महल में कोई ना था, उसने नांद उठाकर देखा तो बहुत से छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। घबराकर उसने नांद ढक दिया। घबराकर उससे एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सब बात बताई और गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने भी क्षमा कर दिया। कुछ दिनों बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने उसे धन सोना आदि देकर उसे विदा कर दिया। इतना धन वगैरह देख करके ससुराल वाले उसकी अब बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी, सभी उसे पूंछ कटा कह करके तंग करते थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूंछ के कटने का कारण पूछा। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और घबराहट में रखने के कारण तेरी पूंछ कट गई। तो सांप बोला, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर वह न माना और एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर घुस गया, उसे काटने का सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। छोटी बहू कसमें खाकर अपनी सास से कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ कि मुझे पुचकटे भाई से प्यारा कोई नहीं। मैं उसी प्यारे भाई की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुचकटे ने सोचा कि ये मुझे इतना प्यार करती है और मैं इसे काटने आया हूँ, ऐसी प्यारी बहन से मैं बदला कैसे लूँ, और चुपचाप वो घर वापस लौट गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती, जिससे उसके पति की लंबी आयु और उसके प्रति प्रेम हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।